हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। समस्ते केमिति अछंती? मु भी भलरे अच्छी। आज सजना सागर गोटे नुआ रेसीपी नहीं कि मु आपण मानक पाखकु आसी छी। सजना साग बा जहाकु आमे मुनगा साग बोली मध्य कहंती, एहा द्वारा आम शरीर बहुत मात्रा रे लाभप्रद होइताय। एहा आम हिमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाई एवं एथिरे भरपूर मात्रा रे थिबा आयरन जोगु एहाकु खाई रक्तहीनता मध्य दूर होइताय। आ गोटे बढ़िया कथा जानिछंती, सजना सागर नियमित सेवन द्वारा श्वास रोगी बा आजमा पेशेंट कर ब्रीदिंग रे उन्नत धरणर परिवर्तन आसीथाए। आठ भी आहुरी भल कथा जे जानतरे हो किंबा अजानतरे हो, सजना साग भली एक गुणकारी साग को समस्ते खाइबा को भल पांदी, किंतु प्राय सबुबले आमे सजना सागर साग भजा बनैथांती। चलंत ना जी सजना सागर गोटे अति ही स्वादिया तरकारी बनैबा। सजना साग तरकारी रा एही रेसिपी खाइबा को बहुत स्वादिया आ बनैबा तार बहुत सहज। आउ एटा होची हमर खांटी ओडिया रेसिपी। तेबे चलंत देरी न करिकि रेसिपीटा आरंभ करिनबा। सजना साग को भल भाव बाछिकी धोईकी मुँ एठी नहीं ची। सजना साग में बहुत पोक थाए से भल भाव बाछिकी धोई ने। तरकारी आम कि पनीपरिया ने पनीपरिया मुठी नहीं बैगण कखारू सारु आलु टमाटो सबको काटिकी रखीदी और पांचटा खंडे बड़ी नहीं। एटी मु कड़ई बसई कड़ई गरम होगापर सोरस तेल पकई तेल गरम होगापर बड़ी को आम टे ब्राउन कलर करके भाजी ने। बड़ी भल भाव नाली की भाजी गलानी। बर्तमान आम बड़ी को गोटे गिनारे काढ़ी नबा। से कड़े जो तेल थिला से आलु कखारू आउ सारू को मध्य आम भाजीदे। बैगण को आम तेल भाजबे बैगण को आम मसला कसला बेले पकेबा। तो यही सब कु लुण हल्दी दे कि मीडियम आंच रे 5-7 मिनिट पर्यंत आम भाजी नबा। तरकारी आम एपटे मसला प्रस्तुत करवा। मसला मुझे नहीं जीरा गोटे चम्मच सोरस देढ़ चम्मच खंडे रसुण 12-15 कला रसुण टी अधिक गाए से अधिक नहीं आपण मैंने चाहिए टी कम करें। मसलार आपड़ प्याज जमार भी बाटबे ना पाचिया लगे तरकारी टेस्ट बिगड़ी। यही सब कुछ टी पा देखें चिकण करके बाटि आणवा। एपटे कखारू आलु आउ सारु भल भाव भाजी गला मुझे कि 5-7 मिनिट लगे कि भाव में ब्राउन होल भाव में भाजवाई पखापाखि 10 मिनिट पर्यंत लगी। एसबु को आम गोटे प्लेट रे काढ़ी आणवा। यही कड़ई आ मुझे से ही कड़े ही आउ कि सोरस तेल नेली। सोरस तेल भल भाव गरम ना कंचा बासना आसे से तेल पूरा भल भाव गरम होगापर कि सोरस फुटुण गोटे सुखिला लंका गोटे कंचा लंका फुटिकी सोरस भल भाव फुटला मुझे जो मसला बाटिकी रखी थी मसला पकेली। मसला उपर हल्दी पकेली। सोरस मसला को तो बेस कषा जाए 2-3 मिनिट प्राय मु मसला कषि। तापर मुझे टमाटो पकईली। टमाटो उपर लुण पकई मीडियम फ्लेम रे टमाटो सिझिला पर्यंत मसला को आउ टे कषि ने। आम पर भाजला बेले लुण हल्दी पकईले तो ध्यान रखिकी लुण हल्दी पकेबा। एठी मसला पूरा बढ़िया भाव में कषि सहित टमाटो सिझीगला। बर्तमान आम बैगण को पकेबा। बैगण को जेहेतु आम तेल भाजी नथिले सब पर तेल भाजी थे तो बैगण को आम आगे टी मसलार कषि ने। टमाटो पूरा भल भाव में सिझिला बैगण पकेबे कहीं बैगण जदि कंचा थी अवस्था खट्टा लग जाए तो कईंथ हो जाए बैगण भल भाव में सिझेनि। तापर अल्प टिके पा देखी भल भाव में गोल देवा कभर करके बैगण टिके दर सिझा है पर्यटन मसला सहित कषि ने। अल्प किसी समय बैगण को मसला सहित कषिला आम जो सारु आलु आउ कखारु को भाजिकी रखी ताकू पकेबा भल भाव में गोल देवा। आउ 2-3 मिनिट पर्यंत आम यही सब कुछ मसला सहित कषि नवा। तापर आम पा देखी आम जी परिमाण झोल चाहूबा शाग को तो बेस झोल कैसे भल लगे से हिसाब से आप देवे पा देखिए सारूटा जेहेतु भाजला बेलू सीझी ना तो सारु सीझे। ये सब पर आम फुटे नवा 5-7 मिनिट पर्यंत मीडियम टू हाई फ्लेम। परिवा सब मसला सहित भल भाव फुटी गला बढ़िया बासना आसुची। देखु ये आलु आ सारु सिझीगला। बर्तमान आम ये भाजी रखि बड़ी और सजना शाग पकई भल भाव मिसईदे। आई सब कु कभर करके आम आहरी 5-7 मिनिट पर्यंत शागटा पूरा सिझिला पर्यंत कुक करवा। प्रस्तुत हो गला आमर स्वादिष्ट सजना साग तरकारी। यही रेसीपी आपण मैंने भी थोड़े बनई खातु बहुत ही बढ़िया तार स्वाद बासना एत सुंदर आसू। आपण मैंने शाग तरकारी को गरम गरम ही परोसबे थंडा हो गले भल लगे। तो आज रेसीपी सर मुझुच आपन समस्त ये रेसीपीटा पसंद आसाइले भी आम खांटी ओडिया खाद्य वीडियो टी भल लगे लाइक करेंगे। आपण मैं सजना शाग तरकारी बनई केमी लगुच मत कमेंट मध्यम जनइबे। भरपूर मात्रा रे रेसीपी को शेयर करेंगे। आदि मो चैनल
चैनल रे नुआ अछंती दया करी सब्सक्राइब कर देबे। आज पे रहू छी पूनी नेकी आसीबे आ गुडी नुआ रेसिपी। धन्यवाद, नमस्कार।